Check out primefeed.in, your ultimate gateway for news, entertainment, tech, auto and fashion. मैंने ये जिम ज्वाइन ही किया था क्योंकि ये डिफरेंट जिम था,
वर्कआउट के मामले में. आप देखिए यहाँ कोई मशीन नहीं है, इट्स अ फंक्शनल ट्रेनर. वेदार थापा इज माई ट्रेनर हु एक्चुअली उन्होंने प्लान किया है चीज़ों को अलग तरीकों से. सो आई थिंक मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये था क्योंकि मेरी बॉडी को एक सर्टन तरह की वर्कआउट की आदत है बिकॉज मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ. तो इसलिए जब मैं वेदार्थ के पास आई और इनके पास टाइटल था फिटेस्ट इन इंडिया का, तो मैंने सोचा कि यू नो ही विल बी एबल टू प्लान अ वर्कआउट इन अ सर्टन वे जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी. तो आप वेदार्थ बताएंगे आपको कि किस तरह का वर्कआउट. हाय, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? सो एक्चुअली क्या था कि जब ये आए थे तो पहले से इतने फिट थे तो मेरा काम बहुत आसान था. सो अभी हम जो करते हैं वो हम बेसिक्स पे बहुत फोकस करते हैं. हम एक टोनिंग वर्कआउट करते हैं, बॉडी टोनिंग, मेक श्योर दैट शी लुक्स गुड ऑन स्क्रीन. एक कार्डियो करते हैं, मेक श्योर दैट शी लुक्स गुड ऑन स्क्रीन फॉर एवर. एंड वी मेक श्योर दैट हम साथ में काफ़ी स्किल्स, जिमनास्टिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा वेट लिफ्टिंग कभी कभार हम वैसे भी करते हैं. सो डेली जो हमारा रूटीन है वो स्ट्रक्चर्ड रहता है, एक स्ट्रेंथ, एक स्किल और कार्डियो हम ये करते हैं. जब मैं नई नई आई थी तो ही केप्ट सेइंग मेटकॉन मेटकॉन. मैंने कहा यार ये नाम ही नहीं सुना मैंने, ये है क्या? बताइए भाई मेटकॉन क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि मेटाबॉलिक कंडीशनिंग होता है. तो जब आप लार्ज लोड्स, मतलब हैवी चीज़ें लॉन्ग डिस्टेंसेज और क्विकली मूव करते हैं तो आपकी बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है, तो उसको मेटकॉन बोलते हैं. तो हम काफ़ी बार करते हैं, हफ्ते में 3-4 बार विद हर टोनिंग टू मेक श्योर दैट, बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ जीरो फिगर. वी आर, हम लोग स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से, तो हम लोग को वी हैव टू मेक श्योर दैट वी वॉन्ट टू मेनटेन दैट हेल्दीनेस, दैट स्पोर्टी फिगर इन आर सिस्टम. सो वी आर लुकिंग एट टोनिंग एज वेल एज मेकिंग श्योर वी आर फिट एक्चुअली. क्योंकि क्या होता है कभी कभार आप भले स्क्रीन पे अच्छे लगो पर आप अंदर से एक्चुअली फिट नहीं हो गए. तो हम वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि हम फिटनेस और एक्चुअली लुकिंग गुड का ब्लेंड. सो मेरा डिस्क्रिप्शन ही वेदार्थ के साथ ऐसा था कि वेल कर्वेशियस बॉडी होना चाहिए वेदार्थ. वी डोंट वॉन्ट टू वर्क ऑन अ स्किनी बॉडी, लीन बॉडी. एवरीबडी इज जीरो फिगर, बट मेरा टारगेट कभी जीरो फिगर रहा ही नहीं है. वेल टोन कर्वेशियस बॉडी इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट. चूँकि मैं मार्शल आर्ट्स की बैकग्राउंड की हूँ तो फ्लेक्सिबिलिटी बचपन से है, लेकिन ऑफकोर्स इस जिम में आने के बाद हम लोग उसको एक एक इंच करके रोज़ बढ़ाते हैं. यू जस्ट सॉ कि वेदार्थ मुझे सपोर्ट करते हैं जब मुझे पुश करते हैं, सेज कि डू इट, डू दिस वे, डू दैट वे. सो आई एम जस्ट सेइंग इज कि जिस तरह से प्लान करा गया है मेरा मेरा पूरा वर्कआउट इज़ डिफरेंट देन जो मैं इतने सालों से करती आ रही हूँ, इसीलिए इफ़ेक्ट ज़्यादा है क्योंकि बॉडी को एक शॉक मिल जाता है कि ओके ये पैटर्न था मेरे बॉडी में वर्कआउट करने का, ये पैटर्न चेंज हो गया, फोकस डिफरेंट हो गया. सो उसमें रिएक्शन ज़्यादा है. एंड आई थिंक द होल क्रेडिट हैज़ टू गो टू वेदार्थ ऑन दिस. हाँ, ज़रूर. सो वर्कआउट में सबसे पहले हम आजकल जैसे वेदार्थ ने मुझे बोला है कि यू हैव टू डू कार्डियो एंड स्ट्रेंथनिंग वेन ट्रोनिंग. तो मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ही कीप्स टेलिंग मी 15 मिनट ट्रेडमिल पे आपको वार्म अप करना है. तो मैं स्लो जॉग से शुरू करती हूँ 15 मिनट एंड देन वी स्ट्रेच, राइट? स्लो लॉन्ग डिस्टेंस. हाँ, एवरी डे वी डोंट डू द सेम पैटर्न. हमारा जो शी रन्स एवरी डे फॉर 45 मिनट्स बिकॉज आवर टारगेट इज दैट वी वॉन्ट टू रन अ मैराथन इवेंचुअली, बिकम कम्फर्टेबल एट रनिंग. That's something that she wants to practice regularly. So 45 minutes of running is every day. Apart from that, hum log thoda weightlifting karte hain, body toning pe focus karte hain, skill work pe focus karte hain. So that it actually implements, becomes for her it becomes easier to do things in her daily routine also. So we transfer fitness into actual real life. That's what we are trying to do along with looking well. So warm up ke baad main body heat for figures out every body part in every day और उसके साथ ये सारी चीज़ें जोड़ते हैं जो उन्होंने कहा अभी. तो लेकिन द थिंग इज़ कि फिटनेस इज़ अ लाइफ स्टाइल.
फिटनेस ये नहीं कि आज मैं सिर्फ जिम में आके दो घंटे फिटनेस किया ख़त्म, नहीं, पूरे दिन भर में क्या आप खा रहे हैं, क्या आप किस तरह से आपकी सांसें चल रही हैं, लोग चेस्ट से सांस लेते हैं, जनरली पेट से सांस लेना ही सही होता है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें आपके कोर पे क्या वर्कआउट, आप रात को कितना लेट खा रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, खाने के सोने और खाने के बीच में कितना डिफरेंस है, वो सब बहुत मैटर करते हैं, इट्स अ होल पैकेज डील, आपका डाइट क्या है बहुत मैटर करता है, तो ये सारी चीज़ें विदार्थ मुझे ऑफकोर्स गाइड करते हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे ज़्यादा पतली नहीं होना चाहती, मैं इसको मेंटेन करना चाहती हूँ, बिकॉज लड़कियों के स्पेशली इंडियन गर्ल्स हैव अ टिपिकल बॉडी टाइप, मैं नॉर्मल लड़कियों को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं मॉडल्स को रिप्रेजेंट नहीं करती हूँ, रैम मॉडल नहीं हूँ मैं एक्टर हूँ, और मेरी जो बॉडी टाइप है वो वेल टोन कर्वेशियस होनी चाहिए और वही मैं हूँ। ये टफ क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग ऑल्सो ट्रैवल बहुत करते हैं और मीटिंग्स में जाते हैं और खाते पीते हैं और डिफरेंट चीज़ें करते हैं, तो क्या होता है कि कॉन्शियस रहना इम्पॉर्टेंट है, कॉन्शियस रहकर अगर आप अपनी लाइफ चला रहे हैं और फिटनेस आपके स्ट्राइड में चला जा रहा है, जैसे कि ये आपके बॉडी का पार्ट है, आपकी सांस लेने का पार्ट है, आपके स्ट्राइड में है एज अ राइट वर्ड, अगर ये है तो आप हमेशा कॉन्शियस रहेंगे कि आपको कैसे मेंटेन करना है। जी नहीं, हम शूट कर रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में इन एलए, आई एम श्योर सारी तरफ आ चुका है ये न्यूज़, लॉस एंजल्स में शूट किया जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, जब आप लोग ये कैमरा बंद कर लेंगे तो मैं सुनाऊंगी आप लोग हाँ ये गाना बहुत सुंदर है एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वो भी एक टारगेट है वर्कआउट करने का सर्टेन लेवल का, क्योंकि वहाँ पे भी जो जैसे आपने राहत फ़तेह अली खान सर के वीडियो में देखा होगा कि मैंने पोर्ट्रे किया है वेरी वेल टोन्ड कर्वेशियस बॉडी, कहीं भी एकदम ज़ीरो फिगर स्किनी बॉडी का कहीं भी हम लोगों ने शो नहीं किया है, तो वही ट्रेंड है, वही चल रहा है एंड इंटरनेशनली ऑल्सो पीपल लव योर बॉडी इफ़ योर कर्वेशियस। ये इतने बहुत एक्साइटेड हूँ रेखा जी, मैंने इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, रेखा जी की आवाज़ इतनी जो पुख्ता आवाज़ है उनकी, जो रूटेड जो एकदम कहते हैं ना ज़मीन से जुड़ी हुई आवाज़ है, और मुझे हमेशा लगता है कि मैं बहुत मेरी आवाज़ भी बहुत पतली नहीं है, तो एक जो स्ट्रेंथ और एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ की जो बात होती है ना, रेखा जी की जो आवाज़ और जो दिल तक छू जाती है, आई थिंक बहुत कम ऐसे लोग हैं, जितने भी नए भी लोग आए हैं लेकिन उनके जैसी जो वो आवाज़ है वो नहीं है।